नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे YouTube चैनल थिंग्स बाय अमित में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर से जॉब ओपनिंग के बारे में वीडियो बनने जा रहा है कि वेरिए जॉब अपॉर्चुनिटी, जो बी फार्म है, एम फार्म है, एमएससी के स्टूडेंट है, इवन इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट है, तो वेरिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ओपन हो गई है, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जॉब है एडमेरस, इस नाम की कंपनी में। यहाँ पे क्लिनिकल क्वालिटी एश्योरेंस, बायो एनालिटिकल क्वालिटी एश्योरेंस एंड एनालिस्ट, ये तीन पोजीशन है उसके लिए। और क्वालिफिकेशन बोला है कि बी फार्म एंड एम फार्म, इसके डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद एपिकोर फार्मास्यूटिकल्स, इसमें भी क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल एंड QMS, ये तीन डिपार्टमेंट के लिए एक्सपीरियंस कुल मिला के 3 से 4 ईयर का लगने वाला है यहाँ पे। इसके बाद ऑरोबिंडो एक वेल नॉमिनेटेड इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो वहाँ पे रेगुलेटरीज अफेयर्स के लिए, जो US बेस्ड प्रोजेक्ट है और USA बेस्ड प्रोजेक्ट है, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स है। इसके बाद कैडिला हेल्थ केयर में आप प्रोडक्शन में, यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है, वैकेंसीज है, जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस चाहिए 2 से 7 साल तक। यहाँ पे MSc स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, बायोटेक के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, इवन लाइफ साइंसेस के भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जुबिलेंट जेनेरिक्स लिमिटेड, ये इस कंपनी में क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है, जहाँ पे आपको लगभग 8 से 12 साल तक का एक्सपीरियंस जरूरी है। बी फार्म, एम फार्म या MSc के स्टूडेंट यहाँ पे अलाउड है। इसके बाद रिलायंस में, जैसे कि इससे पहले भी हमने वीडियो बहुत सारे बनाए थे जहाँ पे मैंने बताया था कि रिलायंस में रिटेल स्टोर्स, चेन रिटेल स्टोर स्टार्ट होने वाले, या इसके लिए फार्मासिस्ट लगने वाले, तो उसमें रेगुलरली ओपनिंग्स तो आते हैं। अब आ गई है जो ओपनिंग्स हैं वो आंध्र प्रदेश के लिए। आंध्र प्रदेश में जो रिटेल फार्मेसी के लिए रिलायंस में स्पेशली रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर डी फार्मेसी एंड बी फार्मेसी जरूरी है। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, 0 to 5 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पर लिखा गया। इसके बाद नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है पल्स फार्मा में, यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, देखिए ये स्पेशली फ्रेशर के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो रिक्वायरमेंट है ना, ये एम फार्म के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। इसके बाद सन फार्मास्यूटिकल्स में पैकेजिंग डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट है, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। यहाँ पे डी फार्म भी चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर भी या उनके लगने वाले, इलेक्ट्रिकल भी लगने वाले, IT भी लगने वाले, तो स्पेशली इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एंड पैकेजिंग डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं। उसके बाद जुबिलेंट बायोसिस, इस कंपनी में, ये बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, यहाँ पे 2 पोजीशंस हैं, एक तो प्रिंसिपल साइंटिस्ट है और दूसरा है रिसर्च एसोसिएट। प्रिंसिपल साइंटिस्ट के लिए PhD इन कॉम्प्यूटेशनल केमिस्ट्री जरूरी है, जिसको 8 से 12 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। और एम फार्म चाहिए रिसर्च एसोसिएट के लिए, 2 से 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, साथ में अगर एम फार्म नहीं है तो MSc इन केमिस्ट्री जरूरी है। तो ये कुल मिला के कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मैंने बताए। अब आपको रेगुलरली डेली जॉब विजिट अपॉर्चुनिटी जो रहती है, अगर वो चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।